रीवा जिले में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह रोजगार दिवस आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में होने वाला प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित प्रशासनिक अधिकारी, स्वरोजगार योजनाएं संचालित करने वाले विभागीय अधिकारी, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्वरोजगार योजनाओं लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवा हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली जोड़कर संबोधित किया। जो एक दुराग्रह था वो सब समाप्त करने का फल है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर आ रही है पूंजी लगाने के लिए। यही स्थिति देश में भी है। आज जो महिलाएं, महिला उद्यमी यहां पर उपस्थित है, क्या 10 वर्ष पहले आप कल्पना कर सकते थे कि कोई महिला उद्यमी आकर के डैश में बोलेगी कि मैंने इतना 5 लाख लिया और इतने लोगों को रोजगार दिया? संभव नहीं था। लेकिन आज इतनी महिला उद्यमियां उद्यमियां इकट्ठा हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से काम हो रहा है।